क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर क्या होता है। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है और उस बैलून में जो एयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। उस केस में हम इस सिस्टम को यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है और उस बैलून में क्लाउड है और जो क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सिस्टम कहते हैं। अगेन, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम सेल थ्योरम अप्लाई करेंगे, और जो सेल थ्योरम है उसको हम ऑलरेडी जानते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है जिस पर चार्ज क्यू है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ठीक है, तो इस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगेन, कोई पॉइंट अगर सेल से बाहर है, मानते हैं कि एक पॉइंट है जो सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और वो सेल के बाहर है, तो उस केस में पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये कि अगर पॉइंट पी सेल के अंदर में है उस केस में पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन अगर पॉइंट पी सेल के बाहर है उस केस में हम सेल के चार्ज को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। मतलब जो सेल है उसको हम सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे केसेस पॉसिबल हैं। केस वन, पॉइंट पी स्फेयर के अंदर में है, ये सेंटर है, तो अगर पॉइंट पी स्फेयर के अंदर में है उस केस में स्मॉल आर जो है वो जीरो से ग्रेटर या इक्वल होगा लेकिन कैपिटल आर से कम होगा, ठीक है। केस टू में पॉइंट पी सरफेस पर है उस केस में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, और केस थ्री में पॉइंट पी बिल्कुल बाहर है उस केस में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। सभी केसेस को बारी बारी से कंसीडर करते हैं। तो पहले केस थ्री को कंसीडर करते हैं। तो केस थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई थ्री है, केस टू में मान लेते हैं ई टू है, और केस वन में मान लेते हैं ई वन है, ठीक है। सो वी हैव ई थ्री इक्वल टू, केस थ्री में पॉइंट पी बिल्कुल बाहर है। अगेन, यहाँ पे ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हैं। मतलब ये कि कोई भी स्फेयर एक्चुअल में इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सेल से बना होता है। तो हम ये जूम कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है ये इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक सेल से बना है, ठीक है। अगेन, पॉइंट पी जब स्फेयर के बाहर होगा उस केस में हम जितने भी सेल्स हैं सबके चार्ज को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। मतलब हम इस स्फेयर के पूरे चार्ज को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द स्फेयर। स्फेयर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, एंड वी हैव कैपिटल क्यू इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, दिस इज 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पुट करते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू,
क्यू इज इक्वल टू रो इन टू 4 पाई आर क्यू बाई 3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट ये 3 इज इक्वल टू जो जाएगा रो इंटू कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा है ताकि इसको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ई थ्री है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट केस वन में ई वन फाइंड करते हैं। तो केस वन में पॉइंट पी स्फेयर के अंदर में है, मान लेते हैं कि जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट पी से पास करता हुआ एक स्फेयर रिज्यूम करते हैं, मतलब एक स्फेयर है जिसका सेंटर ओ है और वो पॉइंट पी से पास कर रहा है। स्फेयर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि पॉइंट पी के बाहर ये जो पोर्शन है इसमें जितने भी यूनिफॉर्मली चार्ज सेल्स हैं उनकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट पी है इन सभी सेल के अंदर में लाइक कर रहा है। अगेन, इस स्फेयर के अंदर में जितने भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं उनके चार्ज को हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं क्योंकि उनके लिए जो पॉइंट पी है वो बाहर लाइक कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव ई वन इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है। ठीक है, सो ई वन विल बी के इंटू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। मतलब ये स्फेयर है इसके अंदर में टोटल चार्ज क्यू डैश है तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अंदर वाले सेल्स हैं उनके चार्ज को हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और जो बाहर वाले सेल्स हैं उनकी वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, बाई सेल थ्योरम। तो क्यू डैश की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी हैव ई वन इज इक्वल टू के दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू डैश। क्यू डैश हो जाएगा रो इन टू वॉल्यूम रो इन टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल सो दिस विल बी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, सो वी हैव ई वन इक्वल टू रो इंटू स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट ई टू को फाइंड करते हैं। तो ई टू के लिए पॉइंट पी सरफेस पर है तो क्लियर है कि पॉइंट पी के लिए हम पूरे चार्ज को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव ई टू इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू अगेन क्यू की वैल्यू पुट करते हैं और साथ में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं इंटू क्यू दैट इज रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसिल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इंप्लाई दैट ई टू
इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों को सिमिलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और हम देख सकते हैं कि अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाए उस केस में ई वन और ई थ्री दोनों ई टू के इक्वल हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम स्मॉल आर के यहाँ पे कैपिटल आर डाल दें तो ई वन ई टू सेम हो जाएगा। अगेन यहाँ भी अगर हम स्मॉल आर के यहाँ कैपिटल आर डाल दें तो ई टू ई थ्री सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ई आर ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे स्मॉल आर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कहीं कैपिटल आर है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो जीरो से लेकर कैपिटल आर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ई वन है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वी हैव ई वन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है, ओबियस है कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वन और टू ई वन ई टू दोनों हो गया। अगेन ई थ्री जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ओबियस है कि जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये आर एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर है, ठीक है। और एक बात कि एंगल थीटा को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव टेन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ दिया रहे तो वहाँ से हम रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ग्राफ दिया हुआ है वहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं और फिर वहाँ से हम रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।